रफियाबाद रोहामा में इस वक्त जमा है और हमने लेबर नरेगा लेबर काम किया है और 2016 से हमने जो काम पूरा किया है उसके बाद इन्होंने टीम भी लाई थी और बिलें भी तैयार है। यहाँ तो 80 लाख रुपया आया है और आज ये बोलते हैं कि हमें कुछ दे दो और कुछ ले लो, यही बात नहीं है मगर बल्कि ये गालियों से हमें नवाजता है ये वीडियो साहब जो कि रोहामा में अब्दुल रशीद आहंगर साहब है। और यही नहीं है कि बल्कि हमारी जो बिलें हैं अंदर पड़ी है और इस वक्त कह रहे हैं 2 साल के बाद लेबर ले लो। हम मटेरियल कहाँ से लाएंगे? हमने अपनी जमीन बेचा है और हमने दे दिया है मटेरियल वालों को और हमारे घर में इस वक्त सीमेंट वाले आ रहे हैं और बाजरी वाले आ रहे हैं, हमें यहाँ गालियां पड़ रही है। हम आपसे गुजारिश करते हैं और इस वक्त की हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारे बिले जल्द अज जल्द यहाँ से वागुजार करें। 5 लाख से है रफियाबाद से और रोहामा के भी कुछ भाई है मजदूर, हमको सफर करते आज मार्च फरवरी से इधर आते जाते हैं, हम वीडियो साहब से अपनी पेमेंट मांगते हैं। हम वीडियो साहब का नाम क्या है? वीडियो साहब का नाम है अब्दुल रशीद आहंगर जनाब। जब ही दरवाजे पर हम आते हैं उधर से बेइज्जती होती है, गाली गलौज वगैरह। क्यों देते हो? कोई समझ नहीं आ रहा है हमें, उसका जमीर ही ऐसा है। हमने मजदूरी की है, हम सच बोलते हैं, सच पर वो गालियां ही देता है। वहाँ कुछ 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 लोगों का साल का है, कुछ 6 महीने का है, कुछ 7 महीने का है, इसी तरह है सबों का। जबकि हमने नरेगा में मजदूरी की है, कोई चोरी नहीं की है, मजदूरी की है। अब करीबन 2 महीने से इनको पैसा आया है, कभी बोलते है 4 लाख आया ये वापस गया, कभी 7 लाख आया ये वापस गया, कभी बोलते हैं अब 70 लाख आए हैं 80 लाख, अब बोलते हैं अब आपको हम लेबर डालेंगे, मतलब मटेरियल नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमें उधर से गालियां पड़ रही है, हमने उधार लाए हैं पैसे, मटेरियल लाया है, किसी ने सीमेंट लाया है, किसी ने कुछ लाया है। अब चाहते क्या हुआ? हम चाहते हैं हमको अपनी पेमेंट सब रिलीज हो।